नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताना चाहते हैं क्रैंक टर्न करवाने के बाद में तुरंत ही क्यों ख़राब हो जाता है, ब्रास क्यों ही उसके ख़त्म हो जाते हैं। इसका मेन कारण आपको बताएंगे। इसका मेन कारण होता है अंदर लगी हुई जाली। अगर जाली सीच हो गई, मोबिल नहीं पाएगा तो ये वाली, तो क्रैंक बिल्कुल ही टर्न करवाना पड़ेगा और क्रैंक नहीं चलेगा। ये जाली और इसका जो ऑयल पम्प होता है उसको ज़रूर देखना चाहिए, ख़ास करके जाली। यही हम बताना चाहते हैं कि जाली को ज़रूर बदलना चाहिए, अंदर जो फिल्टर लगा होता है और पंप, अगर ये सही नहीं होगा तो क्रैंक नहीं काम करेगा। सबसे मेन काम इस फिल्टर का होता है और पंप का, ये दो चीज़ चेक करना चाहिए, और नहीं तो फिर क्रैंक नहीं काम कर सकता है कभी भी। जाली, ये फिल्टर, ये आपको हम नया दिखा रहे हैं, इसमें यही लगाया जाएगा। ये 50 घंटे पर ही क्रैंक इसका ख़राब हो जाता है। ये जाली इसकी शेष थी। जय हिंद, जय भारत।